हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे टॉप 5 लॉ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे एक्ट्स दिए होते हैं। ऐसे मैं टॉप 5 लॉ के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं, एंड नहीं भी काम आने वाले तो आपको ये पता होना चाहिए। चलो, आपको इसके बाद किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे लॉ को मैंने कवर किया है। एंड चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें आप जाकर अपना बहुत सारे बेनिफिट वीडियोज देख सकते हो लॉ से रिलेटेड। एंड मैंने स्टार्टिंग से भी समझाया है जिससे आपको कोई डिफिकल्ट नहीं होगा इसे समझने में। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट लॉ के बारे में जानते हैं। फर्स्ट लॉ है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 185-202 के अकॉर्डिंग अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं। मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगी, आप ड्रिंक ना करके ही इस गाड़ी को चलाएं, वो कार हो या बाइक हो। अगर किसी भी सिचुएशन में अगर आप ड्राइविंग करते समय अगर आपके बॉडी में 100 मिलीग्राम ब्लड में केवल ओनली 30 मिलीग्राम से ज़्यादा अल्कोहल पाया जाता है तो आपको बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। एंड सेकेंड है मोटर व्हीकल एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग यदि आप किसी कारण से, कोई भी रीज़न से आपका एक सिचुएशन में चलान कट चुका है तो 24 आवर्स के लिए आपको उसी सिचुएशन के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता, चलान नहीं काटा जा सकता। लाइक आपको हेलमेट के लिए चार्ज काटा गया है एंड आपका चलान काटा गया है तो आपको 24 आवर्स के लिए उसी सिचुएशन के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता, चलान नहीं काटा जा सकता। अब बिना हेलमेट के भी घूमोगे तो आपका चलान नहीं काट सकते। एंड थर्ड है परिसीमा अधिनियम 1963 के अकॉर्डिंग यदि किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, आपकी सैलरी 1 मंथ में सैलरी नहीं दिया गया आपके काम के अकॉर्डिंग या काम के अकॉर्डिंग सैलरी ही कंप्लीट नहीं किया गया तो आप 3 साल के अंदर उस कंपनी में, तो आप 3 साल के अराउंडिंग में उनके ऊपर कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। कंप्लेन दर्ज करने का एक सीमा है कि 3 साल के अंदर ही आपको करना पड़ेगा। अगर 3 साल के अंदर आपने कंप्लेन किया तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा एंड आपके जो भी सैलरी बनता है, आपने जो वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दिया जाएगा। लेकिन आप 3 साल के बाद आप सोचोगे कि आप ये 3 साल के बाद उनके ऊपर कंप्लेन करता हूँ तो ये एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये मान्य नहीं माना जाएगा। एंड फोर्थ है यदि हिंदू गोद लेना रख रखाव एक्ट अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग अगर आप एक हिंदू हैं एंड आपके पास एक पोता है या परपोता है या परपोता है तो आप दूसरे बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर आपको अडॉप्ट करना भी है तो अगर आप जो बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं एंड जो आपके पास है वो परपोता हो या सन हो, जो भी हो, उनके बीच में 21 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो लीगली नहीं माना जाएगा एंड आप नहीं चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते। एंड फिफ्थ है दिल्ली रेंट कंट्रोल 1958 सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग अगर आप रहने वाले हो दिल्ली के तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अगर आप रहने वाले हो दिल्ली के एंड आप वहाँ किराए में रहते हो, पीजी में रहते हो एंड आपके जो मकान मालिक होंगे वो आपको बिना नोटिस के आपको घर से नहीं निकाल सकते। आपको 1 मंथ पहले एक लीगल नोटिस भेजा जाएगा, उससे पहले वो लीगली आपको निकाल नहीं सकते, ये आपका राइट माना जाता है। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा एंड थैंक यू।